कमर में दर्द हो या पित्त की पथरी हो, आज ही अजमाएं ये नुस्खा, समय लगाकर जरूर सुने। पहला, मूली का रस पीने से पित्त की पथरी बनना बंद हो जाती है। दूसरा, बलगम को दूर करना चाहते हैं तो सिर पर तेल की हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। तीसरा, बाल जल्दी लंबे करना चाहते हैं तो चावल के पानी से बाल धोएं। चौथा, जिनकी सांस फूलती है वो बेर खाएं, ये परेशानी दूर हो जाएगी। पांचवा, जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धुनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। छठा, अगर आप चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं तो रोजाना सुबह एक सेब खाएं। सातवां, जिसके पेट में रसौली की शिकायत है वो सुबह के समय दालचीनी का काढ़ा बनाकर पिए। आठवां, अगर आप सेब के साथ शहद लेते हैं तो आपकी त्वचा टाइट और जवान रहेगी। नौवां, हिलते हुए दांतों पर अदरक का पेस्ट लगाएं, दांत मजबूत हो जाएंगे। दसवां, उन लोगों को गुर्दे की बीमारी ज्यादा होती है जो रात को पेशाब करके नहीं सोते। ग्यारहवां, अगर आप बैठकर झाड़ू लगाएंगे तो आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। बारहवां, चेहरे पर काले घेरे की समस्या से परेशान हो तो ऑरेंज जूस में ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाने से काले घेरों की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। तेरहवां, बच्चों को कमजोरी हो तो उन्हें रोजाना दूध पिलाएं और संतरे व अनार का रस दें, इससे उनके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। चौदहवां, कमर में दर्द हो तो लहसुन और नारियल के तेल को मिलाकर लगाने से आराम मिलेगा। पंद्रहवां, अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो गाय के दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पिएं। सोलहवां, पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। सत्तरवां, आलू को उबालकर ठंडा करके जहां पर दाने हों वहां लगाएं, दाने ठीक हो जाएंगे। अठारवां, सूखे धनिये का चूर्ण बनाकर चाट लें, खांसी में लाभ मिलेगा। उन्नीसवां, मुंह खोलकर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन के शिकार होते हैं। बीसवां, अदरक का रस बालों पर लगाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते। इक्कीसवां, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और सूखापन भी दूर हो जाता है। बाईसवां, कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट में कच्ची गाजर जरूर शामिल करें। तेईसवां, काले अंगूर खाने से आपका रंग साफ होगा और चेहरे पर चमक आएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।